डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं एसेंशियल वेंटिलेशन एसेंशियल वेंटिलेशन इम्प्लाइज टेकिंग द इंटेक वेंटिलेटिंग एयर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और फेस बिफोर इट गोज़ टू द रिटर्न मीन्स एसेंशियल वेंटिलेशन का अर्थ है सबसे निचले डिस्ट्रिक्ट और फेस को इंटेक हवा से वेंटिलेट करना और उसके बाद अपने ऊपर लेवल के डिस्ट्रिक्ट और फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न हवा रास्ते में जा मिलना आइए इसे डायग्राम में समझते हैं जो बुक में दिया हुआ है डायग्राम के राइट साइड में सेंटर में स्प्लिट ए एसेंशियल वेंटिलेशन को दर्शा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें इंटेक एयर सबसे पहले निचले डिस्टिक और फेस को वेंटिलेट कर रही है उसके बाद वेंटिलेट करते हुए वे ऊपर के लेवल और डिस्टिक के फेस को वेंटलेट करते हुए रिटर्न हवा में जाम मिलती है और उसके बाद अपकास्ट कास्ट से होते हुए सरफेस तक पहुंच जाती है आइए इसे दूसरे डायग्राम में समझते हैं जो ब्लू कलर का तीर है वो इंटेक हवा यानी कि शुद्ध हवा को दर्शा रहा है और जो लाल कलर का तीर है वो अशुद्ध हवा को दर्शा रहा है यानी कि रिटर्न हवा को तो देखिए इनटेक एयर सबसे पहले निचले फेस को वेंटिलेट करते हुए फेस टू फेस थ्री से होते हुए वो रिटर्न में जा मिल रही है इस तरह के वेंटिलेशन को एसेंशियल वेंटिलेशन कहते हैं नेक्स्ट है डिसेंशियल वेंटिलेशन डिसेंशियल वेंटिलेशन इम्प्लाइज टेकिंग द एयर टू द राइट साइड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एंड अलाउ इट टू दैवल टू लोअर लेवल एज इट वेंटिलेट्स दी वर्किंग मीन्स डिसेंशियल वेंटिलेशन का अर्थ है सबसे पहले राइट साइड यानी ऊपर तरफ के डिस्टिक और फेस को इंटेक हवा से वेंटिलेट करना उसके बाद निचले डिस्टिक और फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न हवा मेन रिटर्न हवा रास्ते में जा मिलती है आइए इसे डायग्राम में समझते हैं जो बुक में दिया हुआ है डायग्राम के लेफ्ट साइड में स्प्लिट बी डिसेंशियल वेंटिलेशन को दर्शाता है इसमें आप देख सकते हैं कि इनटेक हवा सबसे पहले राइट साइड यानी कि ऊपर के डिस्ट्रिक और फेस को वेंटिलेट करने के बाद निचले डिस्ट्रिक और फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न हवा मेन रिटर्न हवा में जा मिलती है और अवकाश से बाहर निकल जाती है आइए इसे दूसरे डायग्राम में समझते हैं जो ब्लू तीर है वो इंटेक हवा यानी कि शुद्ध हवा को दर्शाता है और जो लाल तीर है वो रिटर्न हवा यानी कि अशुद्ध हवा को दर्शाता है इसमें आप देख सकते हैं कि डाउनकास्ट से इंटेक हवा घुसते हुए सबसे पहले राइट साइड यानी ऊपर की तरफ की फेस को वेंटिलेट करते हुए फेस टू उसके बाद फेस थ्री को वेंटिलेट करते हुए वे रिटर्न हवा रास्ते से मेन रिटर्न में जा मिलती है और अपकाश से बाहर निकल जाती है इस तरह के वेंटिलेशन प्रणाली को डिसेंशियल वेंटिलेशन कहते हैं नेक्स्ट है हॉट डीप माइंस आर वेंटिलेटेड बाय डिसेंशियल वेंटिलेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट डीप माइंस में किस तरह का वेंटिलेशन किया जाता है नेक्स्ट है एसेंशियल वेंटिलेशन इज़ प्रेफरेबल बिकाउज मीन्स एसेंशियल वेंटिलेशन बेहतर है क्योंकि फर्स्ट फायर डैम्पिंग लाइटर दैन एयर इज़ रियली कैरीड टू हायर लेवल मीन्स मीथेन गैस हवा से हल्की होने के कारण वो आसानी से मीथेन गैस को ऊपर की लेवल की तरफ ले जा सकती है और उसके जमाव को रोका जा सकता है और उसे बाहर निकाला जा सकता है सेकेंड नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर असिस्ट दी फैन वेंटिलेशन बिकॉज द एयर गेट्स हॉट ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल इन द माइन एंड हायर टेंडेंसी टू गो टू हायर लेवल मीन्स नेचुरल वेंटिलेशन मदद करती है फैन वेंटिलेशन के प्रेशर को क्योंकि माइन्स में हवा वेंटिलेशन के दौरान गर्म हो जाती है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हवा गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाती है थर्ड है इफ़ द फैन शुड स्टॉप द एयर विल कंटिन्यू टू फ्लो इन द सेम डायरेक्शन बाय नेचुरल वेंटिलेशन मीन्स अगर पंखा बंद हो जाता है तो हवा का बहाव उसी दिशा में होगी नेचुरल वेंटिलेशन के द्वारा नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डिसेंशियल वेंटिलेशन मीन्स डिसेंशियल वेंटिलेशन के फ़ायदे फर्स्ट डिसेंशियल वेंटिलेशन हैज़ सम एडवांटेजेस इन हॉट डीप माइंस मीन्स डिसेंशियल वेंटिलेशन के कुछ फ़ायदे हैं हॉट डीप माइंस में सेकेंड है द मेन एडवांटेजेस इज़ द एयर हैज़ नॉट टू पास ओवर ड्रेन्स ऑफ द डीप साइड एंड इट रीचेज वर्किंग फेस इन ड्रायर एंड कूलर कंडीशन मीन्स मुख्य फ़ायदा यह है कि डीप साइड के संप में जो पानी का जमाव रहता है इनटेक हवा वहाँ से नहीं गुजरती है और वर्किंग फेस में सूखी हवा पहुँचती है और वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं इन रानीगंज कोल्ड फील्ड वर्क बाय लॉन्ग वॉल एडवांसिंग एंड हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी 93 थ्री परसेंट विथ असेंशियल वेंटिलेशन देन वेंटिलेटेड बाय डिसेंशियल वेंटिलेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम डाउन टू तो सिक्सटी फाइव परसेंट मीन्स रानीगंज कोल्ड फील्ड में लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के तरीके से कार्य किया गया था और हाइड्रोलिक्स सैंड स्टोइिंग द्वारा स्टोइिंग किया गया था ये एक हॉट डीप माइंस था जिसमें पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी तिरानवे परसेंट था एसेंशियल वेंटिलेशन के साथ लेकिन बाद में उसमें डिसेंशियल वेंटिलेशन किया गया तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 परसेंट हो गया था इसीलिए इसलिए डीप हॉट माइंस में डिसेंशियल वेंटिलेशन किया जाता है नेक्स्ट है होमोट्रोपल वेंटिलेशन व्हेन द एयर एंड मिनरल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन द वेंटिलेशन इज़ नॉन एज होमोट्रोपल वेंटिलेशन मीन्स जब हवा और खनिज का बहाव एक ही दिशा में रहता है तो उसे होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहते हैं आइए इसे डायग्राम में समझते हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम में जो ब्लू कलर का तीर देख रहे हैं वो इंटेक हवा को दर्शाता है और जो लाल रंग का तीर है वो रिटर्न हवा को दर्शाता है और लोडेड कोल्ड टब है वो बाहर सरफेस की तरफ निकाला जा रहा है और रिटर्न हवा भी बाहर सरफेस की ओर निकल रही है यानी मिनरल और रिटर्न हवा का फ्लो दोनों बाहर की तरफ है यानी एक ही दिशा में उसका बहाव है तो इसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर रिटर्न हवा के रास्ते से मिनरल को बाहर निकाला जाता है सरफेस तक तो उसे होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहते हैं नेक्स्ट है एंटीट्रोपल वेंटिलेशन वेन द एयर एंड मिनरल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन द वेंटिलेशन इज सेड टू बी एंटीट्रोपल वेंटिलेशन मीन्स जब हवा और मिनरल का बहाव अलग दिशा में रहता है तो उसे एंटीट्रोपल वेंटिलेशन कहते हैं आइए उसे डायग्राम में समझते हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम में जो ब्लू कलर का तीर देख रहे हैं वो इंटेक हवा रास्ते को दर्शाता है और जो लाल कलर का तीर है वो रिटर्न हवा रास्ते को दर्शाता है लोडेड टब जो बाहर सरफेस की ओर निकाला जा रहा है और इंटेक हवा वो अंदर की ओर फेस की तरफ घुस रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है हवा इंटेक हवा अंदर की ओर घुस रही है और मिनरल्स बाहर की सरफेस की ओर तरफ निकाला जा रहा है तो इसे एक लाइन में समझ सकते हैं कि अगर इंटेक हवा रास्ते से मिनरल को बाहर सरफेस की तरफ निकाला जाता है तो उसे एंटीट्रोपल वेंटिलेशन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोट्रोपल वेंटिलेशन हैज़ अदर एडवांटेजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉट 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 हैविंग लॉन्ग वॉल फेसेस मीन्स लोंगवाल फेस में होमोट्रोपल वेंटिलेशन के कुछ दूसरे भी फ़ायदे हैं किसके संबंध में ए ह्यूमिडिटी बी डीलिंग विथ फायर इन माइंस सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दी ऑप्शंस तो इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी थैंक यू और जो नए दोस्त थे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें